जिले के हंडिया तहसील क्षेत्र में केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजनाओं का किस कदर दुरुपयोग किया जा रहा है। इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण हंडिया के नर्मदा तट पर मुकी धाम की भूमि में बना दिए प्रधानमंत्री आवासों को देखकर सहज ही लगा सकते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन द्वारा मुकी धाम की भूमि में लाखों रुपए की लागत से मुकी धाम का निर्माण कार्य किया जाना था, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते यहां शमशान के नवनिर्माण की योजनाओं में ग्रहण लग गया और ये योजना आरंभ होने से पहले ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। हंडिया नर्मदा तट पर बनाया गया मुकी धाम एवं आसपास लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर लिया, जहां प्रधानमंत्री आवासों का निर्माण कार्य कर पक्के मकान बना लिए हैं और स्थानीय प्रशासन मुख्य दर्शक बना हुआ है, जिसके चलते दाह संस्कार के लिए आने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर दाह संस्कार की जगह नहीं होने पर मृतक के परिजन देवास जिले के निमावर नर्मदा घाट पर अपने परिवार के सदस्य का अंतिम संस्कार करने पर विवश है। मैं हमारा श्री रामानंद आश्रम में रहते हैं, हड़िया में शमशान घाट में सुविधाएं नहीं होने के कारण शमशान जो है मुक्ति धाम में सुविधाएं नहीं होने के कारण निमावर जो है शरीर को ले जा कर के दाह संस्कार निमावर में करवा रहे हैं। यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना बना करके मकान बनवा दे रहे हैं, लेकिन शासन सत्ता का कोई भी ध्यान नहीं होने के कारण जो सभी को परेशानियाँ आ रही हैं। और जो